सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रार्थना पत्र पढ़ाऊंगी। ये 3 दिन के अवकाश के लिए है। प्रार्थना पत्र लिखते समय ऊपर का कॉलम, नीचे का कॉलम कहाँ होता है, इसके अलावा विषय लिखना अनिवार्य होता है। कोमा का और विसर्ग का ध्यान रखना जरूरी है। तो पढ़ते हैं। सेवायाम कोमा श्रीमंतः, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय अनंत लुइस उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोमा फिर लगाना है, जोधपुरम राजस्थान, पूर्ण विराम। विषय लिखना है जो प्रश्न पत्र में होता है। दिन त्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। नीचे लिखना होता है महोदय, फिर कोमा लगाना आपको, फिर उसके नीचे लिखना है उपयुक्त विषयांतर्गते, उपयुक्त विषय के अंतर्गत निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि परसवः परसों मम भगिन्याः मेरी बहन का विवाह उत्सव अस्ति, विवाह उत्सव है, पूर्ण विराम। अतः इसलिए अहम् त्रीणि दिनानि विद्यालयम् न आगन्तुम् शक्नोमि, इसलिए मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकती हूँ, पूर्ण विराम। कृपया मम प्रति 21/4/2020 तह 23/4/2020 दिनांक पर्यंतम अवकाशम स्वीकरिष्यति। कृपया दिनांक 21/4/2020 से 23/4/2020 तक मेरा अवकाश स्वीकार करेंगे इति विश्वासो वर्तते, इस तरह विश्वास है, पूर्ण विराम। उसके नीचे लिखना है सधन्यवाद, दिनांक 21/4/2020 जिस दिन प्रार्थना पत्र लिखा जाता है उसी दिन की दिनांक होती है। फिर उसी के सामने लिखना है भवदा आज्ञाकारिणी शिष्याः, अपना नाम और अपनी कक्षा। इसके बाद इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखते समय विसर्ग, विसर्ग और कोमा का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है।